एक सपना देखा था बाइक पे महाराष्ट्र की 750 किलोमीटर की कोस्टल राइड करने का, और उस राइड में मैं जितना कोकण देख सकूँ, जितना जी सकूँ, उतना देखने का। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है शिवाजी महाराज के सागरी जलदुर्ग। और सबसे पहले हम जाएंगे अलीबाग के कुलाबा फोर्ट। ये देखिए, अभी जूते हाथ में और के इस समुंदर किनारे से हम जा रहे देखने कुलाबा फोर्ट। वो देखिए मेरे पीछे, वो कुलाबा फोर्ट हम देखने जा रहे हैं। अगर समुंदर को भरती हो तो हम फोर्ट तक नहीं जा पाते, तब होड़ी करनी पड़ती है, लेकिन आज पानी का स्तर कम है, ओहोटी चालू है ना, भरती आनी ओहोटी असं आहे ते, भरती हो तो नाही जा पाते। समुद्र भरला म्हणजे भरती, हा भरती आहे तो भरती, भरती है तो भरती है। अलीबाग के तट से पूर्ण ज्वार के समय जाना चाहिए, किंतु भाटे के समय इसके मुख्य द्वार तक पैदल भी पहुंचा जा सकता है। और समुंदर में चलने का अपना अलग ही मजा है। अपन इतके वेळ समुद्र फिरलेले, समुद्र किनारे पण एवढा असं समुद्र चाललेलं आहे का, आपण समुद्राच्या एवढं मध्ये आलेलो आहे ते का बरं आलेलो आहे मे मध्ये आलो, हा ते तर आलेलो आहे मे मध्ये, पण समुद्राला काय वरती हा म्हणजेच काय हो होती कोण होती आणि आपण पोहोचलो आहोत गुलाबा किल्ल्याजवळ। हे बघा माझ्या माग जो आहे तोच किल्ला गुलाबा किल्ला। बीस मिनट चल के आने के बाद हम पहुंचते हैं कुलाबा फोर्ट। ऐसा माना जाता है अलीबाग के किनारे स्थित ये कुलाबा किला महान मराठी योद्धा शिवाजी महाराज के निधन से पहले बनाया गया आखिरी किला है। फोर्ट देखने के लिए प्रवेश शुल्क दे के आप किले में एंटर करते हो। एक समय कुलाबा किला एक छोटी सैनी की चौकी हुआ करता था, किंतु छत्रपति शिवाजी महाराज के समय इसका व्यापक रूपांतरण किया गया। इसके पास अनेक मंदिर भी बने हैं, जिनकी प्रवेश दीवारों पर हाथी और चित्ता जैसे जानवरों की नक्काशी देखी जा सकती है। कुलाबा किले में मीठे पानी का जो कुआं था वो अब भी मौजूद है। कुलाबा किला काफी बड़ा था, जिसके जलाशय तथा देवालय अब भी मौजूद है, किंतु इसका प्राचीन भवन एक अरसा पहले नष्ट हो गया। कुलाबा किले के ऊंचे परकोटे और 17 बुर्ज अब भी बने हुए हैं,
किले के मुख्य द्वार पूर्व की ओर है तथा इस पर खुदी पशु पक्षियों की आकृतियां स्पष्ट दिखाई देती है। कुलाबा किला का इतिहास मराठा नौसेना से जुड़ा हुआ है। मराठों के महान सरखेल यानी एडमिरल उस समय के कान्होजी आंग्रे के प्रयासों से ही मराठा नौसेना शक्ति ने अपने शौर्य के शिखर पर पहुंच गई थी। कुलाबा किला पर अधिकार जमाने के उद्देश्य से जंजीरा के सिद्धियों और पुर्तगाल के सैन्य बल ने भी अभियान चलाया, परंतु हर बार उन्हें असफलता हाथ लगी। 3 शताब्दियां पूर्व इस किले में आज भी उसके देवालय और जलाशय मौजूद है। किले के सबसे बड़े जलाशय के सामने ही है श्री गणेश मंदिर। समुद्र के इतने अंदर इस कुलाबा फोर्ट में खूबसूरत गणेश मंदिर देखने जैसा है। कान्होजी आंग्रे और उनके उत्तराधिकारी सरभोजी के बाद 2 आंग्रे बंधुओं मानाजी और संभाजी की आपसी कलह में पेशवा को हस्तक्षेप करना पड़ा। 2 भाइयों में मानाजी को कुलाबा और उत्तरी क्षेत्र मिला। पेशवा सदैव मानाजी का पक्ष लेते रहे और इसके परिणाम स्वरूप विजय दुर्ग में संभाजी महाराज ने उत्तराधिकारी तुलाजी के नौसैनिक बेड़े के पतन के उपरांत ही कुलाबा किले का महत्व तेजी से गिर गया। छत्रपति संभाजी महाराज के कार्यकाल में कुलाबा किला स्वराज्य में ही था। आगे जाके कान्होजी आंग्रे को राजाराम महाराज ने आरमार प्रमुख सरखेल पदी उनकी नेमणूक की और कुलाबा किला आंग्रे का मुख्य ठिकान बन गया। इसलिए वो कुलाबेकर आंग्रे इस नाम से देखिए जाने जाने लगे। कान्होजी आंग्रे के मृत्यु के बाद सेखोजी आंग्रे सरखेल बन गए, लेकिन उसके बाद आंग्रे कुटुंबीय में अंतर्गत कलह बढ़ने लगे। 1843 तक आंग्रे घराने का ही इस किले पर ताबा रहा। कुलाबा किला के इतिहास में 5 बार भीषण आग लगने की नोंद है और बार बार ये आग लगने की वजह से किले को बहुत हानि देखी पहुंची है। छत्रपति शिवाजी महाराज के गनीमी काव्य की शुरुआत इसी कुलाबा किले से हुई थी। नजर ससाण्याची झेप गरुड़ाची व पकड़ मगरीची, इसी शब्दों में शिवाजी महाराज ने कान्होजी आंग्रे को इसी किले पे गौरव उद्गार निकाले थे। लेकिन समुंदर के अंदर इतना बड़ा किला, ये भी एक रहस्य होगा ना? हाँ, क्या लगता है? मतलब क्या रहस्य का ऐसा है? मतलब दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जगवेंचर जी, थैंक यू।